मैं आ गई नोएडा के ड्रिंक एंड डाइन में और यहाँ पे सिर्फ 299 रुपीस में अनलिमिटेड बुफे मिलता है, लग्जरी बुफे है भाई। मैं तो कैसे होने वाला पूरा एक्सपीरियंस कम देता हूँ। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, 299 में ना इतना मजेदार वाला बुफे, अनलिमिटेड बुफे है, जो चाहे मैं खा सकती हूँ। मुझे यहाँ पे नॉर्थ इंडियन मिल रहा है, चाइनीज मिल रहा है, कम से कम आपको नॉर्थ इंडियन के भी 3 से 4 ऑप्शन तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में करूंगी क्यूक्यूम्बर सैलेड से। ये ले लिया अनियन सैलेड, ये है यहाँ पे छोले वाला चटपटा सैलेड, और ये है स्वीट कॉर्न विद लेमन एंड रेड चिली, बहुत मजेदार होता है ये भी। अब इसके बाद यहाँ पे मिलता है रायता, तो मैं रायता ले लेती हूँ। यू ऑल नो आई एम अ रायता लवर। यहाँ पे ये है पिकल जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें से मैं लेती हूँ ये मिक्स पिकल। यहाँ पे देखो चिलीज कितने मजेदार तरीके से प्रेजेंट करी गई हैं। आई एम अ लेमन लवर, तो लेमन मैंने यहाँ पे ले लिया। खाने पे डाल के ना खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। राइस यहाँ पे 2 तरह के मिलेंगे, ये है हमारे जीरा राइस। राइस की क्वालिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा मजेदार है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे ये बुफे जो है ये ऐसे कम मिलता है, यहाँ पे अनलिमिटेड रिफिल होता रहता है। लेकिन हम जो आए हैं, हम आए हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3:30 के आसपास और 4 o'clock ही बंद होता है, तो ये जो बुफे है ना ये क्लोजिंग टाइम है, इसलिए क्वांटिटी इतनी कम लग रही है। तो ये है वेज फ्राइड राइस, दाल मखनी की थिकनेस कितनी ज्यादा अच्छी है, एकदम क्रीमी इसकी दाल मखनी है। और उसके साथ में है पनीर बटर मसाला। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना यार, हम 2-3 चीजें तो ऑर्डर करते ही करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बुफे बिल्कुल खत्म हो गया तो पनीर खत्म हो गया, इतना सारा इसमें पनीर आपको मिल जाए। तो भाई खाना मैंने नॉर्थ इंडियन ले लिया और अभी यहाँ पे छोले और ड्राई वेज रहती है। तो भाई मैं तो प्लेट दूसरी लेके आने वाली हूँ, इस प्लेट को मैं रख देती हूँ अपनी सीट पे एंड दूसरी प्लेट लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक प्लेट में ये सब कुछ नहीं आने वाला। ये मैंने ले लिया है एक तंदूरी रोटी और एक नान, तो ये रही भाई मिक्स वेज। वाओ, और इसमें देख सकते हो पनीर कितना ज्यादा है, और सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है मटर भी इसमें डले हुए हैं, मशरूम डला हुआ है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये है छोले, छोले में भी पनीर डाला हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन खाना जो है हमारा नोएडा का वो है। ये आ गया हमारा मंचूरियन, ये देखो फिर मेरी प्लेट भरने वाली है। नूडल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और मेरे को नूडल खाना बहुत पसंद है भाई, मैं तो चाइनीज की दीवानी हूँ। भाई ये देखो हलवा, हलवा मैं ज्यादा लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई कहीं से भी नहीं लग रहा कि 299 का बुफे है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी अनलिमिटेड है, 10 बार आप रिफिल कर सकते हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पे मुझे साथ में जो मिली हुई है ना, ये मिली हुई है एक मॉकटेल, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इसके आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इससे, उसको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो जो इसका फ्लेवर है ना, सिरप बेस्ड फ्लेवर है, रोज फ्लेवर मुझे इसका लगा। तो भाई मेरे को ना राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जीरा राइस के साथ पनीर बटर मसाला टेस्ट करा जाए। तो भाई ये है हमारा पनीर बटर मसाला विद राइस, ये तो मेरी फेवरेट है, इसको जल्दी से टेस्ट करती हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। सच में टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार है, जो पनीर बटर मसाला का टेस्ट है वो उसकी मुझे क्रीमी फ्लेवर लगा, मीडियम स्पाइसी लगा। सेकंडली ट्राई करते हैं दाल मखनी का टेस्ट कैसा होने वाला है। क्रीमी टेक्सचर लग रहा है इसका, देखने में मजेदार लग रही है, मुझे दाल मखनी बहुत ज्यादा पसंद है, जल्दी से टेस्ट करती हूँ। तो दाल मखनी की अगर टेस्ट की बात करें ना, बहुत ज्यादा मजेदार टेस्ट है। सबसे अच्छी चीज ये है कि यार बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर है इसका, दाल जो घोट घोट के बनाई जाती है ना 24 घंटे 12 घंटे सेम वैसा ही वाला टेस्ट है। दूसरी जो चीज मैं ट्राई करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ मिक्स वेज नान के साथ। इसकी क्वालिटी भाई यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा मजेदार है। तो इसको टेस्ट करके बता दी इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो भाई मैंने ट्राई करा था मिक्स वेज विद नान, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट है। मिक्स वेज का जो कॉम्बिनेशन है ना इसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिक्स वेज की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सारी की सारी वेजीज को मिला के जो उसकी मसालेदार सब्जी बनी है ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। यहाँ पे है नूडल्स और उसके साथ है मंचूरियन, दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करा जाए इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। चाइनीज़ का कॉम्बिनेशन ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे थोड़ा सा लेस स्पाइसी लगा क्योंकि मुझे चाइनीज़ ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद आता है। लास्ट जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ वो ट्राई करने जा रही हूँ स्वीट, गाजर का हलवा नहीं मिल सकता गर्मियों में, तो यहाँ पे ये है हमारा मूंग दाल हलवा, इसको ट्राई कर बता दी उसका टेस्ट कैसा होगा। सो अगर बात करें ना टेस्ट की हलवे की, हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा यार, अनबिलीवेबल प्राइस है इसका, 299 रुपीस में इतना सब कुछ कैसे आ सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। मैं चाहती हूँ भाई जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना यहाँ पे आके एक बार ट्राई करना तो बनता है। दिल्ली NCR में रहते हो या नोएडा में रहते हो, यहाँ पे आके अगर आपको एम्बियंस का मजा लेना है, अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, कोई भी ओकेजन है, यहाँ पे आके लंच में सिर्फ ये बुफे रहता है, 2 से 4 इसका टाइम है। एड्रेस की अगर बात करें स्पेक्ट्रम मॉल है नोएडा में, वहाँ पे आके आप को अवेल कर सकते हो। रेस्टोरेंट का नाम है ड्रिंक एंड डाइन। भाई मैं यहाँ पे अपना फूड एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहना है तो मेहते खाते रहिए।